आइए बच्चों, अब सवाल नंबर कौन सा करना है? अभी सातवां, सातवां है ना? पढ़िए क्या है। साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोण के अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बैठ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि साइन 67 और साइन 75 को 0 अंश और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करिए। बिल्कुल ही आसान है, प्रश्न का सबसे आसान प्रश्न है ये। दोनों को बस हमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिख देना है, बस और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइन 67 को हमने कॉस 90 माइनस 67 लिख दिया है, धन कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने कॉस 75 को साइन 90 माइनस 75 लिख दिया है। अब यहाँ पे बता देंगे क्या किया है कि साइन थीटा को हमने कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है और कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। अब इसके बाद घटा लेंगे सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा कॉस 90 में से 67 घटाएंगे, 10 में से 7 घटे 3, 23 अंश, धन यहाँ पर साइन 15 अंश। और 23 और 15 दोनों ही 0 और 45 के बीच में है। समझ में आ गया? तो बस यही इसका आंसर हो गया। चलिए बस नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में सर्व समीकरण पढ़ेंगे। प्रश्न खत्म हो गया ना, कोई बचा तो नहीं है।